हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में जीएस सेक्शन में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओशिनोग्राफी चैप्टर कंप्लीट किया है। इस कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को और हम लोग अब शुरू करेंगे नया चैप्टर दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर फिल्म्स स्पेशल, मेन्स स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। फटाफट देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो देखे थे वो हम लोगों ने देखा है बेसिकली ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर मतलब कि हमारे जो लिथोस्फीयर एक्चुअली, तो हम लोगों ने देखा लिथोस्फीयर के बारे में, जहां पे हम लोगों ने धरती, अर्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया, अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर एंड ऑल दैट, लैंडफॉर्म के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने देखा माउंटेन के बारे में और जितने भी तरीके की चीजें हैं सारे वाले लोगों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा था ओशिनोग्राफी के बारे में, और ओशिनोग्राफी और स्थल यानी कि लिथोस्फीयर, ये दोनों भी बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज द कॉमन एरिया ऑफ लिथोस्फीयर एंड ओशिनोग्राफी। अब हम लोग देखने वाले हमारा थर्ड फैक्टर, एंड दिस थर्ड फैक्टर इज एटमोस्फियर। एटमोस्फियर के बाद हम लोग देखेंगे द कॉमन एरिया, द कॉमन दीज एरिया, ये जो बीच में कॉमन एरिया आ जा रही है इसको बोला जाता है बायोस्फीयर। और इस बायोस्फीयर में बेसिकली हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग एनवायरनमेंट के सेक्शन में इस पूरे के पूरे एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। लिथोस्फीयर कर लिया हम लोगों ने, ओशनोग्राफी कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटमोस्फियर। फटाफट स्टार्ट करते हैं एटमोस्फियर के बारे में और देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास एटमोस्फियर में। तो आवर प्लैनेट इज एनवलप्ड बाई अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेज एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। द गैसियस कवर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एटमोस्फियर। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर में, इस चारों ओर में एक कह लीजिए ब्लैंकेट कवर है, या फिर कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्रोटेक्शन दे रही होती है। तो दिस इज बेसिकली द प्रोटेक्शन लेयर, और ये प्रोटेक्शन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्यों ये लटका हुआ है? ये लटका हुआ है या फिर आपस में जो ये इंटरैक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, जिसको कि आप लोग ऑलरेडी जान ही रहे होंगे। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है। लाइक लैंड, जैसे कि लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपेयर टू द अर्थ रेडियस द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ थिन लेयर ऑफ गैसेस, हाउएवर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ। तो ये इसी पे लटका हुआ है, ये अलग नहीं होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बात करें, वन सेकेंड, एटमॉस्फेयरिक प्रेशर क्या चीज होती है? अब ये जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर फिजिक्स मैं यूज करूंगा और देखेंगे हम लोग क्या कुछ है एटमॉस्फेयरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स वेट, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयरिक प्रेशर। देखिए, प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है फॉर्मूला प्रेशर का, दाब का। तो ये हो जाती है हमारी सिस्टम। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर में इस तरीके से यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर है तो सीधी सी बात है, अगर ऊपर है तो इसका वेट पड़ रहा होगा अर्थ पे, तो वेट के कारण से mg, और mg इज बेसिकली द फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप निकाल देंगे तो ये निकल लग जाएगा इसका प्रेशर। तो इस तरीके से हमें प्रेशर आ जाएगी। तो हमारी जो प्रेशर की कैलकुलेशन होती है वो प्रेशर होती है p इज इक्वल्स टू रो डी एच, डेंसिटी के माध्यम से हम लोग देख रहे होते हैं, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू इसकी हाइट, इस तरीके से हम लोग निकाल देते हैं इसकी जो प्रेशर लग रही होती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस एच डी जी, ये होती है सिस्टम, मतलब स्मॉल में लिख लीजिए। तो ये होता है p नॉट इज बेसिकली द प्रेशर, जिसको कि हम लोग एक यूनिफॉर्म प्रेशर या बेंचमार्क प्रेशर भी बोल सकते हैं। ये एक बेंचमार्क प्रेशर होती है, क्योंकि हम लोग प्रेशर को एब्सोल्यूट कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर की एब्सोल्यूट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, प्रेशर हमेशा रिलेटिव होती है, और वो रिलेटिव होती है p नॉट के टर्म में। अब देखिए, p नॉट होता है जिसको हम लोगों ने बेंचमार्क मान के रखा हुआ है, एंड दिस बेंचमार्क इज बेसिकली द प्रेशर एबव द सी लेवल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा कि एबव द सी लेवल इतना प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सरफेस का प्रेशर हो जाता है। इसके ऊपर नीचे जितना भी आप डेप्थ में जाएंगे या फिर कम गहराई में जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं एच डी जी के माध्यम से जो भी प्रेशर लग रही है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा
प्रेशर के फॉर्मेट में हो जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हाइट है और हमें प्रेशर पता है इसका, पी नॉट यहां का पता है प्रेशर। हमें अगर नंबर वन पॉइंट का प्रेशर मान लेते हैं कि पी नॉट पता है, नंबर टू पॉइंट पे हमें प्रेशर जानना है और नंबर थ्री पॉइंट पे हमें प्रेशर जानना है, तो दिस इज बेसिकली द पी वन और ये मान लेते हैं पी टू। हमें अगर पता है कि ये हमारा अगर पी नॉट है और ये पूरी हाइट हमें पता है, तो ऑब्वियसली ये जो पी नॉट मान लेते हैं कि ये इतनी हाइट जो होती है वो एच है, तो हमें जो पी टू होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच डी जी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर इसका भी आ जाएगा। जो P1 रहेगा वो क्या हो जाएगी, जो प्रेशर ये है, मतलब कि ये मान लेते हैं कि हाइट जो होती है वो एच डैश है कुछ, तो एच डैश यहां पर अगर रहता तो हमारा प्रेशर कुछ अलग होता है। पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता, P1 प्लस एच डैश डी जी, यानी P1 क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस एच डैश डी जी, यानी कि हाइट जो होती है वो कम हो गई है और इस कारण से जो प्रेशर है वो भी कम लगेगा। तो इन तीनों पॉइंट में सबसे कम प्रेशर किसका होगा, सबसे कम प्रेशर होगा P1 का, फिर उसके बाद से P0 का, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, P2 का, क्यों, क्योंकि सरफेस पे ज्यादा ये नीचे है। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन भी आपने समझ लिया कि क्या चीज है। दिस प्रेशर को, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमोस्फेयर के कारण से लग रही है। एटमोस्फेरिक प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने कई तरीके के प्रेशर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ओशनोग्राफी में डिस्कस किया था। जैसे एक प्रेशर था जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थी, एंड दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाज बिकॉज ऑफ द हाइड्रो, जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी उसके कारण से जो प्रेशर जनरेट हो रही थी उसको हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला था। सिमिलरली एटमोस्फियर के वेट के कारण से जितनी प्रेशर लग रही होती है उसको हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में अब आते हैं और एटमॉस्फेयर में देखते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं। तो यहां पर जो गैसेस होती हैं वो मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब बहुत सारी गैसेस होती हैं। इनके अभी कॉम्बिनेशन को भी हम लोग देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है। प्लांट की आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस में इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो प्लांट जो है सर्वाइव करने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और अल्टीमेटली जो एनिमल है या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए। इसके साथ ही साथ और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं जिनकी जरूरत होती है, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब पूरे के पूरे अर्थ पे जो टेम्परेचर, प्रेशर या बहुत सारी और भी पैरामीटर्स होती है जिनको बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीपल गैसेस की जरूरत हो जाती है, और इस जरूरत के हिसाब से ही हमारे एटमोसफियर में गैसेस बना करके रखी गई है, गैसेस जो होती है वो बैलेंस पोर्शन में रखी गई है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, द एटमॉस्फेयर आल्सो कीप्स अ टेंपरेचर ओवर द अर्थ सरफेस विद इन सर्टेन लिमिट। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एक्सट्रीम ऑफ टेंपरेचर वुड एग्जिस्ट बिटवीन डे एंड नाइट। जैसे क्या है, यहां पर अगेन ध्यान से समझिएगा, और हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका हम लोग ज्यादा अच्छा समझ रख पाएंगे जब हम लोग हीट बजट के बारे में बात करेंगे। लेकिन खैर, हीट बजट से पहले जरा कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग अलग अलग वीडियोस में देख ही लेंगे क्या चीज है। देखिए, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ का सरफेस है, दिस इज आवर अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस पे सपोज अगर एटमॉस्फियर नहीं होता, मान लेते हैं एक पल के लिए एटमॉस्फियर नहीं होता, सन से रेज आती है, पता ही आपको, जो सन से रेज आती है उस सन रे को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। अब से ध्यान रखिएगा, अब से मैं सन रे नहीं बोलूंगा, अब से मैं इंसुलेशन बोलूंगा कि इंसुलेशन आई है सन से, ठीक है। ये इंसुलेशन, एक और चीज जान लीजिए, ये होती है शॉर्ट वेव, ये शॉर्ट वेव होती है। अब ये शॉर्ट वेव क्या चीज होती है, देखिए ऊपर जरा ध्यान से, हमारे पास अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं। एक होती है जिसको हम लोग विजिबल वेव बोलते हैं, और इसके इधर भी वेव्स होती हैं और इसके राइट साइड में भी वेव्स होती हैं। ये जो विजिबल वेव होती है ये बेसिकली हमारी आंखों को दिख रही होती है और उसके बियॉन्ड हमें रेज दिख नहीं रही होती है। कौन कौन सी रे होती है, जैसे यहां पर याद रखने के लिए IMR होता है, और यहां पर होती है एक्स वाई जेड। तो यहां पर बेसिकली एक्स यू, यू होती है एक्स, होती है वाई होती है। तो वाई का मतलब होता है ये बेसिकली गामा रे है, दिस इज गामा रे। इसके बाद ये होती है एक्स रे, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और विबग्योर, ये विजिबल हो जाती है, विबग्योर, ठीक है। फिर उसके बाद से आई हो जाती है जो इंफ्रा रेड होती है, सिमिलरली एम होती है जो माइक्रो वेव्स हो जाती है, और आर मतलब हो जाती है जो रेडियो वेव्स होती है, क्लियर। वेवलेंथ जो होती है वो लगातार इधर के साइड में बढ़ती जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी है गामा रेज की, और हमें सन से प्राप्त होता है कौन सी, गामा रेज, और साथ ही साथ में हमें प्राप्त होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर हमारी
ये सिस्टम देखेंगे तो सीधी सी बात है इस विजिबल के लेफ्ट साइड में जितनी भी हमारी ये गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट हो गई, ये सारी वेवलेंथ इनकी कम होती है, तो ये वेवलेंथ रिलेटिवली इनकी लेस या फिर इनको बोल सकते हैं लो वेवलेंथ की करंट होती है, वेव होती है, इसीलिए इनको बुलाता है शॉर्ट वेव। इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है बिकॉज E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। लेमडा अगर कम रहेगा तो एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि ये हाई एनर्जी वेव्स होती हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? और ये हाई एनर्जी वेव इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच गई तो ह्यूमन बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इंसुलेशन क्या चीज होती है, शॉर्ट वेव क्या होती है। इसके थ्रू सरफेस को हीट प्रोवाइड होती है और ये हीट वही एम एस डेल्टा टी है जिसके बारे में हम लोग लगातार ओशिनोग्राफी में डिस्कस कर रहे थे। इस एस के जरिए, स्पेसिफिक हीट के जरिए टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। टेम्परेचर में किसके? सरफेस के, जो भी हमारा लैंड है या ओशियन है, जो भी है, हमें उसके टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से अर्थ जो होगी वो हीट होगी और अर्थ के हीट होने के कारण अगेन यहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण से हम लोगों ने देखा था कि स्टीफंस प्रिंसिपल, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, यानी कि यहां से रेडिएशन भी होगी और ये जो रेडिएशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसका नाम होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखिएगा, एल्बिडो और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है इसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है, तो ये लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ, यानी ये लॉन्ग वेवलेंथ सीधी सी बात है या तो इंफ्रारेड होगी, या तो माइक्रो होगी, या फिर रेडियो होगी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट तीनों के तरीके से ही निकलती है, लेकिन जो मैक्सिमम यहां पर रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड फॉर्मेट में होती है, तो ये बेसिकली जो लॉन्ग वेव है इंफ्रारेड फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है मैक्सिमम। क्लियर हो गया क्या चीज है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एल्बिडो, लॉन्ग वेवलेंथ, यहां पर इंसुलेशन है, शॉर्ट वेवलेंथ है, सनरेज से आ रही है। पूरा डिस्कस कर लिए, पूरी चीजें जानकारी हो गई क्या चीज है। अब देखिए, जो बेसिकली हम लोगों को डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि ये हमारा जो अर्थ का सरफेस था, इस अर्थ के सरफेस पे हमें सन रेज लगातार इंसुलेशन आ रही है। इस इंसुलेशन से जैसे ही आएगा ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ये जो इंसुलेशन आती है ये पहले बादलों से होकर के गुजरती है, तो यहां पर क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं और तब इन पर पहले इंसुलेशन, पहले इन पे इंसिडेंट होती है। इस इंसुलेशन की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके द्वारा, किसके द्वारा? क्लाउड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो यहां पर ये क्लाउड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो सीधी सी बात है इसके अंदर में धूल के पार्टिकल होंगे, वाटर वेपर होंगी और बहुत सारी और भी ऐसी चीजें होती हैं जो टेम्परेचर को बढ़ा लेती हैं। तो सीधी सी बात है यहां पर टेम्परेचर जो होती है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि इस अर्थ के सरफेस के एक ऊपर लेयर एक आ जाएगी और ये लेयर, इसको हम लोग बोल देते हैं लेयर वन, और इस लेयर, ये लेयर जो होगी वो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट दिखा रही होगी। हीटिंग इफेक्ट क्यों दिखा रही है? क्योंकि ये इंसुलेशन के कारण से इसने भी अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पेनेट्रेट करके अल्टीमेटली जो इंसुलेशन है वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके सरफेस को, जो अर्थ की सरफेस है उस सरफेस को ये हीट कर देगा। ये हुआ दिन में, यहां पर भी हीटिंग हो रही है और क्लाउड पे भी हीटिंग हो रही है। रात में क्या होगा? रात में तो अब हमारे पास सनरेज तो है नहीं, तो हमारे पास ये जो सनरेज इंसुलेशन है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास अभी भी क्लाउड कवर है और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज है, यानी कि ये क्या करेगा, रात में जो रेडिएशंस निकल रही हैं उस रेडिएशन को भी ऑब्वियसली ये जो क्लाउड है, क्लाउड कवर, ये भी रोकेगा। तो यहां से जो रेडिएशन के थ्रू जो भी एनर्जी निकल रही है, जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए, इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए जो भी एनर्जी निकल रही है उससे भी टेम्परेचर ये इंक्रीज करेगा, यानी कि रात में अर्थ का सरफेस कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो जाए, लेकिन ये क्लाउड कवर फिर से इसके टेम्परेचर को रोक लेगा। यानी जो हमारा एटमॉस्फियर है वो एटमॉस्फियर ना तो अर्थ को ज्यादा गर्म होने दे रहा है, क्योंकि अगेन यहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले रहा है, और ना ही ज्यादा ठंडा होने दे रहा है क्योंकि अगेन एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले रहा है। इस तरीके से अर्थ के कॉन्टैक्ट में बनने के कारण से जो अर्थ का टेम्परेचर है ना तो वो ज्यादा गर्म हो पाता है और ना ही ज्यादा ठंडा हो पाता है। ये गर्म और ठंडा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दिन है तो उसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए अगर इसके पास टेम्परेचर एटमॉस्फेयर नहीं है तो,
और रात में उसी तरीके से -1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए अगर एटमॉस्फियर नहीं है। लेकिन इसकी बजाय होता क्या है, हमारा जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचता है दिन में, और वो भी हीट वेव के कारण से होता है, एवरेज तो 50 ही माना जाता है। लेकिन रात में बहुत अगर माइनस टेम्परेचर जाती है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चली जाती है, और वो भी ग्लेशिएटेड इलाकों में होती है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर का क्या फर्क है, कैसे फर्क पड़ता है, इसको हम लोगों ने फिजिक्स की सहायता से डिस्कस कर लिया। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बढ़े तो यहां पर कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं, उनको मैं इरेज कर देता हूं। यहां पर देखिए, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड फाइंड इट्स वे थ्रू इफ द एटमॉस्फेयर इज, जो एब्सेंट रहेगा एटमॉस्फेयर, तो सीधी सी बात है अल्ट्रावायलेट रेज भी अर्थ में एंटर कर जाएंगी, गामा रेज एंटर कर जाएंगी, एक्सरे एंटर कर जाएंगी, जिसके कारण से हमारी बॉडी में एनर्जी काफी ज्यादा बन जाएगी और उस एनर्जी के कारण से बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी, तो ये दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ह्यूमन लाइफ को बनाने के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे जितने भी मीटियोर्स आते हैं उनको भी रोकता है, स्पीड को रोकता है, फ्रिक्शन ले आता है, एंड अल्टीमेटली इट बर्न्स अप एंड पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर, और ये फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण से इसकी स्पीड कम हो जाती है और हमें एक टाइम मिल जाता है, ऑब्जर्व करते हुए टाइम मिल जाता है, और जिसके कारण से हम लोग एरिया को वैकेट करा के अपने जो भी लाइफ है उसको बचा सकते हैं। वेदर इज अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमिना बिकॉज इट डिक्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड प्रोसेस लाइक प्लांट ग्रोथ, एग्रीकल्चर, सॉइल फॉर्मेशन, इस तरीके की चीजें बेसिकली कर देता है जो भी यहाँ पे वेदर होती है। तो क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, अब नेक्स्ट आता है क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है। एक छोटा सा यहां पर नोट मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए क्लाइमेट जो चैप्टर है काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय क्लाइमेट देखिए चेंज हो रहा है, और इनफैक्ट आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि अब आप लोग सर्दी गर्मी ठंडी सारी की सारी चीजों को देख लिए होंगे। इस सर्दी गर्मी ठंडी के कारण से जितने भी वातावरण में चेंज हुए हैं, इस समय जो बारिश का मौसम हो रखा है, तो इस बारिश के मौसम में बारिश क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, रात में ही क्यों होती है, इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर से मिलेगा। तो इस वजह से काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है और काफी प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी, साथ ही साथ में हम लोगों ने इसमें फिजिक्स के भी कुछ कंसेप्ट लगाएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए और आपको याद करने की बजाय चीजें अपने आप समझ में आ जाए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको देखने का जो नजरिया है वो काफी ज्यादा बदला हुआ दिखेगा। जब भी आप बाहर निकलेंगे आप क्लाउड को देख रहे होंगे और आप प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि बारिश होगी कि नहीं होगी, और अगर बारिश हो भी रही होगी तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितनी तेज बारिश होगी, हवा के साथ बारिश होगी या बिना हवा के साथ बारिश होगी, कितनी देर में हो सकती है और कितनी देर तक होगी, ये सारी चीजें आप जो होती है प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर इस चैप्टर को भली भांति पढ़ लेते हैं तो। चलिए खैर, अच्छा एक और चीज, ये काफी नया चैप्टर है, मतलब इसको एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है एटमॉस्फेरिक साइंस के रूप में, और ये जो एटमॉस्फेरिक साइंस है ये नया एक इंजीनियरिंग का टॉपिक भी निकल के आया है जिसपे काफी रिसर्च हो रही है और नए नए पेटेंट सामने आ रहे हैं। और अगर किसी का इंटरेस्ट हो और एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर किसी को आगे अपना करियर बनाना हो तो काफी अच्छा करियर यहाँ पर है, काफी अच्छा जो होता है चीजें स्टार्ट हो सकती है। मतलब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज में काफी एक्सेल करना है तो या तो आप उस काम को सबसे पहले करिए, मतलब इधर यू शुड बी द वन हु स्टार्ट दिस थिंग, या फिर आप बेस्ट रहिए, तो आप या तो बेस्ट रहिए या पहले काम करिए, तो सीधी सी बात है आप काफी आगे निकल जाएंगे। चलिए खैर, यहां पर आ जाते हैं, वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक पे, और हम लोग देखेंगे क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होती है। देखिए, दे आर मल्टीपल पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पैरामीटर के रूप में टेम्परेचर होता है, पैरामीटर के रूप में प्रेशर होती है, पैरामीटर के रूप में ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होती है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट जो होते हैं लगातार वो चेंज करते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं कैसे, थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द सीजन। तो थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द सीजन जो चेंज करते रहते हैं, इसके थ्रू हमें जो चीज मिलती है, मतलब लगातार जो चीजें दिख रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। जैसे मानसून एक तरीके का हम लोग बोलते हैं देखिए वेदर है, चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। लेकिन जब ये वेदर, जब इस वेदर की अपनी एक पैटर्न बन जाती है, पैटर्न का मतलब आप कहेंगे देखिए कि जुलाई के मौसम में बारिश होगी, अगस्त के मौसम में बारिश होगी, क्यों बोलते हैं आप, क्योंकि वो पैटर्न बन गया है, हर साल लगातार इस तरीके की बारिश हमें देखने को मिल रही है, और इसी वजह से हम लोग इस पैटर्न का नाम दिए हुए हैं कि ये एक क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट इज बेसिकली व्हाट, क्लाइमेट इज द रिपीटिशन ऑफ द वेदर इन अ पैटर्न वे।
तो एक पैटर्न के रूप में जब रिपीटेशन हो रही होती है उसी को हम लोग क्लाइमेट बोल देते हैं, उसी को हम लोग वेदर बोल देते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब ये है हमारी वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे आर्गन। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग इसको गलती से कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं, तो नहीं, आर्गन है। फोर्थ नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड हाइड्रोजन हो जाती है। तो इस तरीके से बाकी याद बाद में तो इनर्ट गैसेस हो जाती है, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, एंड दे आर नॉट बेसिकली रिएक्टिंग विद एनी अदर मटेरियल, किसी भी एलिमेंट के साथ में ये रिएक्ट नहीं करती, इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। अब यहां पर ध्यान से ये समझने की चीज है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन का मतलब क्या है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मतलब क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, क्योंकि बाकी आर्गन हो गई या फिर नियॉन, हीलियम, ये सारी की सारी तो इनर्ट गैसेस में आ जाती है, तो इनका कोई काम नहीं है। अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है देखिए 78%, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%, वही अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% ये हो जाती है। 78% का मतलब क्या चीज है? 78% का मतलब ये है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को एस्टैब्लिश करते हैं सॉइल में, और ये बेसिकली जो सॉइल होती है अल्टीमेटली फिर जाकर के प्लांट और लेग्यूम्स, मतलब कि जितने भी वेजिटेशन होती है उसको ये डेवलप कर रही होती है। तो सीधी सी बात है इसकी जरूरत काफी ज्यादा है, क्योंकि सॉइल में इसको एस्टैब्लिश करना है और इसका रिजुविनेशन बड़ा मुश्किल होता है, तो रिजुविनेशन के कारण से इसमें परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, चीजें काफी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की केस में इसको ज्यादा अगर हाई रहेगा तो चीजें जलना शुरू हो जाएंगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक इन्फ्लेशन इन्फ्लेटरी कह लीजिए कि गैसेस होती है, बर्निंग गैसेस होती है, तो इस तरीके से ये आग लगा सकती है। लेकिन कंटेंट अगर लो रहेगा तो सीधी सी बात है ह्यूमन सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चीजें अगेन ब्रीदिंग में या फिर कह लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये यूज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये ज्यादा हो जाए, 0.03% से ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? इनफैक्ट अच्छी चीज है ना, हमारे जो प्लांट है वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा हमें जो होता है फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा करेगी, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल रही है, और उसके बाद से लगातार ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ेगी, तो अल्टीमेटली तो इट विल मेक अ बैलेंस। बैलेंस कर लेगी कि नहीं कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना एक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो गैसेस है उसमें डिसबैलेंस हो जाती है। देखिए, अगर नेचुरल तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो नेचुरली इट विल बैलेंस, इट विल मेक अ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में, तो इस तरीके से बैलेंस निकल के आ जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ग्लोबल वार्मिंग है या फिर जो मैन मेड एक्टिविटी के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ये लगातार बढ़ती जाती है, और लगातार बढ़ते जाने के कारण इससे कार्बन डाइऑक्साइड से हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, काफी ज्यादा ये हीट सोखता है और हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हीटिंग के कारण से जो हमारा प्लैनेट है उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाती है, जो ओशियन है वहां पर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, एल नीनो फिनोमेना स्टार्ट हो जाती है, इंडियन ओशियन डायपोल फिनोमेना स्टार्ट हो जाती है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे के सेक्शंस में। एल नीनो के बारे में हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा सा आपके साथ, बट क्लाइमेट सेक्शन में हम लोग ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग गया बेसिकली इन सबका काम क्या है, और इन सबके डिसबैलेंस अगर होता है तो उससे क्या दिक्कत सामने आ सकती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब हमारे पास थोड़ी सी एटमॉस्फेयर के बारे में और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, इन एडिशन इट कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज एरोसॉल। तो एरोसॉल एक तरीके का सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज बेसिकली द सस्पेंडेड पार्टिकल जो हवा में लटके होते हैं। ये पार्टिकल्स कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन से आ सकता है, और इस कंस्ट्रक्शन के कारण से जितना भी मटेरियल है वो विंड के साथ में टहलते रहते हैं, हवा के साथ टहलते रहते हैं, और इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये एरोसॉल पार्टिकल आते रहते हैं, जैसे हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क में जितनी भी चीजें होती हैं, मान लीजिए कि कोई गैसेज निकल के आ जा रही हैं या फिर कुछ लिक्विड पार्टिकल ही है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है, तो इन सबके कारण से अगेन जो होती है सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में ये पड़े रहते हैं। डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, प्लांट के ऊपर जो डस्ट आती है वो भी अगेन एटमॉस्फेयर में ही मौजूद बनी रहती हैं। सम ऑफ द गैसेस में बी रिगार्डेड एज परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट विच
रिमेन इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर गैस वॉल्यूम. तो ये जो इसमें से कुछ कंटेंट है, कुछ जो डस्ट पार्टिकल है वो एक्चुअल में एटमोस्फियर में प्रेजेंट रहता है एंड दिस इज नेचुरल, नेचुरली प्रेजेंट रहता है क्योंकि ये आगे जा करके हाइग्रोस्कोपिक एक मटेरियल होता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बनाता है जिसके कारण से रेनफॉल होती है. रेनफॉल के चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्कोपिक चीजें क्या होती हैं, उससे रेनफॉल होती है. ये बेसिकली जो पार्टिकल होता है ये चार्ज्ड पार्टिकल होता है, चार्ज्ड पार्टिकल. और ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, इसी चार्ज पार्टिकल के कारण से हमें आसमान में बिजली देखने को मिलती है. आसमान में बिजली चमकती है ना, कभी सोचा है आपने कि बिजली क्यों चमकती है? तो अगर आपको पता है क्यों बिजली चमकती है, व्हाई देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फियर, तो आप लोग टेलीग्राम बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखता हूं आप क्या जानते हैं इसके बारे में. तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली चमकती है या बिजली जो धरती पर गिर जाती है, क्या रीजन है, क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, बताती है, बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. अदर कंस्टिट्यूएंट वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. इफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर वेपर एंड अदर वेरिएबल गैसेज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एटमोसफियर देन द ड्राई एयर इज वेरी स्टेबल ऑल ओवर द अर्थ ओवर एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर. तो इस तरीके से चीजें हमें बैलेंस मिलना शुरू हो जाती हैं. जो प्रपोर्शन ऑफ गैस चेंज हायर लेयर में होता है, जो ऑक्सीजन है विल बी ऑलमोस्ट इन निग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर. 120 किलोमीटर की हाइट पर जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन लगभग लगभग नहीं होता. इसीलिए जितने भी पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर के जाते हैं. इस ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने का रीजन यही है कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है और साथ ही साथ प्रेशर नहीं बैलेंस होता है, क्योंकि प्रेशर भी जो होती है वो कम हो जाती है. अब प्रेशर कम होने के कारण से अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो हमारे बॉडी में भी ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में बैलेंस बना के रखती है. और अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो ब्लड प्रेशर भी चेंज होगी, और उस ब्लड प्रेशर के चेंज होने के कारण से हमें एक्स्ट्रा प्रेशर बनानी पड़ती है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग अलग अलग तरीके से बनाते रहते हैं. खैर सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो प्रेजेंट अप टू ओनली 90 किलोमीटर. तो ऊपर जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे चीजें खत्म होती जाती हैं. हमारे पास अलग अलग लेयरिंग भी होती है, हम लोग इन सारे लेयरिंग को बात करेंगे अभी कुछ ही देर में. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स अप 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर एंड द रिमेनिंग गैसेज आर ऑलमोस्ट इनर्ट एंड कंस्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर. जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78% एंड 21% इट मेक्स 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज. अच्छा एक चीज और, जैसे आप सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या केवल और केवल ऑक्सीजन ही आती है? नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आती है, और ये नाइट्रोजन बेसिकली यूज हो जाती है अमीनो एसिड बनाने के लिए. अमीनो इज अगेन नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड जो हमारे बॉडी के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ये चीज करती हैं. क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हमारे लिए नाइट्रोजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ऑक्सीजन तो है ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट. तो बिसाइड्स दीज गैसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. दीज सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल आर ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस. डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमोस्फियर विद देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्कस बिलो. इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग जरा आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फियर के बारे में, कि आखिर में जो एटमोस्फियर की स्ट्रक्चर है क्या वो हर जगह सेम है या कुछ अलग है. कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसके बारे में हम लोगों ने अपने मतलब डिस्कस भी किया था जब हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में बात कर रहे थे. ऑरोरा के बारे में कर रहे थे कि नहीं, हम लोग बोले थे पोल के एरिया में कई सारे कलर दिख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द सोलर फ्लेयर्स विच इज कमिंग फ्रॉम द सन एंड कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ एंड अल्टीमेटली मेक अ शाइनिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट. और इस तरीके से जो चीजें निकल के आती है वो ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. साथ ही साथ कई बार आप लोगों ने सुना होगा जो टेलीविजन आप घर में बैठ करके देख रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, इसकी जो सैटेलाइट है वो कहाँ रखी जाती है. तो इसके अलावा मिट्योर जो आ रहे हैं कहाँ पर ये आग पकड़ ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं. और इस तरीके से हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना दी जाती हैं अलग अलग टाइप से. जैसे कई जगहों पे हमें एटमॉस्फेयर में गैसेस मिलती हैं, वेदर फिनोमिना मिलती है, और भी अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं. तो हम लोग जो बेसिकली एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं वो टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस तरीके से टेम्परेचर
वेरिएशन देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ये एक फिगर है जहां पर आपको अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या चीज है। तो देखिए ये जो सिस्टम है ये हमारी यहाँ पर अर्थ का सरफेस है। इस अर्थ के सरफेस से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सबसे पहली जो सरफेस देखने को मिलती है वो होती है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर होती है 8 किलोमीटर तक, मतलब सरफेस से 8 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक ट्रोपोस्फीयर का पार्ट है। ट्रोपोस्फीयर में आप जब देखेंगे तो नीचे से ऊपर जब आप जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर यहां पर डिक्रीज होती है, इसके पीछे रीजन क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे। दूसरी जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। और लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसको बुलाता है ट्रोपोपॉज। तो दिस इज ट्रोपो PAUSE ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक पाई जाती है। यहां पर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। वही अगर बात करें आगे आगे अगेन हमें एक कांस्टेंट लेयर मिल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो ये बेसिकली हो जाती है स्ट्रेटोपॉज। इस स्ट्रेटोपॉज के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक जो एरिया होता है वहां पर टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होता है। यहां पर भी हमें टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीसोस्फीयर। इस मीसोस्फीयर के बाद अगेन यहां पर हमारे पास कुछ एरिया तक टेम्परेचर कांस्टेंट बना होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक मीजोपॉज हो जाता है। इस मीजोपॉज के ऊपर में अगेन टेम्परेचर जो होती है इंक्रीज करने को मिलती है और ये बेसिकली होती है थर्मोस्फीयर के कारण से। और थर्मोस्फीयर के बाद आगे जो होती है एक्सोस्फीयर निकल जाती है, आगे निकल जाती है पूरी सिस्टम। अब यहां पर अगर बात करें तो देखिए ट्रोपोस्फीयर, इस ट्रोपोस्फीयर में बेसिकली हर एक मौसम संबंधी वेदर रिलेटेड चीजें होती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, बारिश हो गई या फिर फ्रंट फॉर्मेशन हो गया, जो कुछ भी होती है बेसिकली वो यहीं पर होती है, ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। स्ट्रेटोस्फीयर बेसिकली काल्म रीजन होता है। उस काल्म रीजन में बेसिकली यहां पर पाई जाती है ओजोन और यही ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, एक्स रेज से बचा रही होती है। इस स्ट्रेटोस्फीयर में काल्म रीजन होने की वजह से यहां पर फ्लाइट्स वगैरह उड़ते हैं, देख सकते हैं हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है यहां पर। इस स्ट्रेटोस्फीयर के बियॉन्ड में मीजोस्फीयर होती है और इस मीजोस्फीयर में बेसिकली मीटियोर शावर्स आग पकड़ लेते हैं, मतलब ये फ्रिक्शन जनरेट होते होते यहां पर ये बर्न हो जाते हैं और बर्न होने के कारण अब यहां पर इनकी वेलोसिटी धीरे हो जाती है और धीरे होकर फिर अल्टीमेटली आगे पेनेट्रेट करते हुए सरफेस की ओर, धरती की ओर आ जाते हैं। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर बेसिकली इसको हम लोग आयोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं और ये जो आयनोस्फीयर है यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं और इन आयंस में अगेन काफी हीट होती है, काफी एनर्जी होती है जिसके कारण से यहाँ पर ऑरोरा बोरेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये देखने को मिल जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऑरोरा कहाँ पे बनते हैं तो आप बताएंगे ये आयनोस्फीयर या फिर कह सकते हैं कि थर्मोस्फीयर में बनते हैं। इसके आगे अगर बात करें देखिए इसके बाद होती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का मतलब ये होता है कि वैक्यूम में ये अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जाकर के मिलना शुरू कर दिया है। तो यहां पर वैक्यूम होने का मतलब यही, स्पेस शटल यहीं से चले जाते हैं और आईएसएस में चले जाते हैं, मतलब कि बियॉन्ड द अर्थ सिस्टम ये बाहर निकल करके चले जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जो हमारी ब्लू कलर है वो खत्म हो रही है और इसके बियॉन्ड देख सकते हैं आप ब्लैक कलर देखने को मिल रही है। दिस इज जस्ट अ स्पेस, यहां पर स्पेस देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू अब ये वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, प्रेशर का बिल्कुल भी आगे सिग्निफिकेंस देखने को नहीं मिलता है। और इस तरीके से जब कभी अगर आप स्पेस में जाते हैं तो वहां पर आपको एक फ्लोटिंग एलिमेंट, मतलब यहां पर आप फ्लो कर रहे होंगे क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, मीडियम ना होने के कारण से आप यहां पर फ्लो कर रहे होते हैं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम खड़े भी नहीं है, बैठे भी नहीं है, सोए भी नहीं, आप एक ही पोजिशन में, एंड दिस इज हमेशा लाइंग पोजिशन हो जाती है। चलिए फिर अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेम्परेचर के जरा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा क्या चीज है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास फिगर जरा ले लेते हैं वन सेकेंड। तो यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है वो नीचे आती है, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था। तो ये ट्रोपोस्फीयर है, यहां पर मैंने अभी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं बनाया, आप लोग खुद बताइएगा कि टेम्परेचर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमारे पास सनरेज आ रही है, तो सनरेज को जरा बुला लेते हैं। तो ये हमारी सनरेज आ रही हैं, सनरेज आ गई धरती पर, ठीक है। तो ये जो सनरेज आ रही हैं बेसिकली ये इंसुलेशन आ रही है और इंसुलेशन जब आ रही है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहां पर हालांकि हमारे पास कुछ क्लाउड्स होते हैं जो रोकते हैं, लेकिन ये क्लाउड्स एक बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं और ज्यादा यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। कुछ एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन मैक्सिमम एनर्जी अर्थ सरफेस पे आ जाएगी।
और अर्थ सरफेस पे चूंकि सरफेस काफी बड़ा है तो एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर भी राइज कर जाएगा। तो यानी ये जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पे बना रहेगा और जैसे जैसे हम लोग ऊपर के साइड में जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, कलर को चेंज करते हैं जरा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा हीटिंग जोन है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर हमें डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो ये बेसिकली यहां पर हमें मिल जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज का सिस्टम। क्लियर हो गया क्या चीज है, टेम्परेचर डिक्रीज क्यों मिल रहा है, क्योंकि सरफेस पे हाईएस्ट टेम्परेचर अचीव हुआ है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे तो ये भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ, तो टेम्परेचर हमारा जो क्लाउड है वो भी अगेन एक हीट किया ही हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, कहीं पर भी कोई हीटिंग एलिमेंट है क्या, नहीं। तो हीटिंग एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए यही सरफेस जो है सबसे ज्यादा हीटेड पोर्शन में है, तो ऊपर के साइड में हमें मिलेगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज हमें देखने को मिलता जाएगा, क्योंकि जो बाहर का सरफेस है वो ज्यादा टेम्परेचर अचीव किया हुआ है। तो यहां पर हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल जाता है और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज की जो बॉडी है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर हमें टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए यहां का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ है, मान लेते हैं सरफेस का टेम्परेचर अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिक्रीज होकर के यहां पर टेम्परेचर मान लेते हैं कि 0 डिग्री 8 डिग्री मान लेते हैं कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पहुंच गया है। ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होकर के कितना इंक्रीज करेगा, मान लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो 12 डिग्री के नियर अबाउट में टेम्परेचर पहुंचता है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो काफी स्लो मोशन में हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज जरूर किया लेकिन वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इंक्रीज करेगा। लेकिन इस टेम्परेचर के बियॉन्ड यहां पर एक सर्फेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनोस्फीयर। इस आयोनोस्फीयर में बेसिकली पूरा का पूरा जो सर्फेस है वो आयन्स के फॉर्मेट में कन्वर्टेड है। ये आयन का मतलब क्या है, अगर H2O है तो H2O में नहीं H प्लस OH माइनस में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, अलग अलग फॉर्मेट में बटा हुआ रहेगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि H प्लस OH माइनस में अलग अलग आयन के फॉर्मेट में रहेगा, कैटायन और एनायन के फॉर्मेट में रहेगा। कैटायन और एनायन में क्या होता है कि ये काफी ज्यादा घूमते रहते हैं, मतलब इनके जो फ्लो करने के टेंडेंसी या जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्राउनियन मोशन जो बेसिकली होता है इनका काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ में इंसुलेशन भी इनको मिल रखी है, इंसुलेशन के कारण से इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर टेम्परेचर तो इंक्रीज होके रखा ही है बट इसका जो सरफेस है मतलब कि ये जो जोन है हाईएस्ट टेम्परेचर हमें यहां पर देखने को मिलेगा, ये हमें हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि यहीं से एनर्जी एंटर की है। तो एनर्जी जब एंटर करेगी, इसको एक काम करता हूं मैं मिटा करके मैं जरा आयोनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर बढ़ा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ दिखेगा। यहां तक हम लोगों ने देख रखा था स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर में सिस्टम हम लोगों ने देखा था जहां पर टेम्परेचर जो होती है वो इंक्रीज हमें देखने को मिली थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहां पर एक और सरफेस था और उस सरफेस पे हमें इस तरीके से यहां पर हमें टेम्परेचर इंक्रीज होती हुई मिली थी और यहां पर हमें आगे हम लोग बढ़ रहे थे। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर एक आयोनोस्फीयर का एक सिस्टम आ गया है। इस आयोनोस्फीयर में हमारा जो बेसिकली इलाका है वो आयंस में टूटा हुआ है, आयंस के फॉर्मेट में है। इस आयंस के बाहर में फिर एक्सोस्फीयर आ जाता है और एक्सोस्फीयर का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। सरफेस से हमें यहां से इंसुलेशन मिल रही है और जो इंसुलेशन मिल रही थी वो येलो कलर में मिल रही थी, ये हमारी इंसुलेशन इस तरीके से आ रही थी। ठीक है, चलिए खैर तो ये हमारी इंसुलेशन हो चुकी है। अब देखिए इंसुलेशन जब आ रही है तो हमारा जो यहां पर सिस्टम है, ये जो आयंस है, ये आयंस हमें हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हर जगह पर जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबसे पहले एनर्जी कौन पा रहा है, सबसे पहले एनर्जी पाएगा जो टॉप लेयर है। तो जो टॉप लेयर होगी वो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये अपने हाईएस्ट टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा और ये नीचे नीचे जब आएगा तो लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब कि एनर्जी तो है ही बट ये लो टेम्परेचर पे आ जाएगा। यानी कि यहां का टेम्परेचर अगर हम लोग 12 डिग्री सेंटीग्रेड मान के रखे हैं तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा। यानी कम टेम्परेचर का मतलब अब यहां पर 0 डिग्री और -2 डिग्री इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है, बताइए। 12 डिग्री से घट करके माइनस में चला जा रहा है, 0 डिग्री चला जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या हुआ है, घटा है, सीधी सी बात है, ये हो गया। और जैसे ही यहां पर बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एक आइडिया लग गया क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज हो रही है, कैसे हो रही है,
वापस से चलते हैं अपने पुराने वाले फिगर पे और जरा देखते हैं यहां पर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हमें यहां पर डिक्रीज देखने को मिला है और डिक्रीज का मतलब यही था कि यहां पर अर्थ जो होती है काफी गर्म हो गई थी और जैसे जैसे हम लोग अर्थ से बाहर जाएंगे ये डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर हो जाती है, इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन ये था कि इंसुलेशन का जो सर्फेस है वो बाहर की ओर में अवेलेबल है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि आयनोस्फीयर में भी इस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा और बाहर भी इस तरह से इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मीजोस्फीयर है यहाँ पर टेम्परेचर हमें डिक्रीज देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगेन ये जो सरफेस होता है वो ऊपर की ओर में टेम्परेचर डिक्रीज हमें ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखिए बीच बीच में यहां पर देखिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये क्या चीज है। हम लोगों ने बात किया हुआ था जब डिसकंटिन्यूटी बात किए थे, हम लोग जब मोहो डिसकंटिन्यूटी या फिर लेहमैन्स डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने लिथोस्फीयर के टॉपिक में। वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी कोई स्टेट चेंज होती है इंक्रीज से डिक्रीज या फिर सॉलिड से लिक्विड, तो बीच में एक हमें सेमी प्लास्टिक या फिर ट्रांजिशन जोन मिलती है। तो बेसिकली ये जो चीज है जो यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज से इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बन रहा है और इसी ट्रांजिशन जोन को हम लोग नाम दे रहे हैं ट्रोपोपॉज। सिमिलरली यहां पर भी एक ट्रांजिशन जोन बन रहा है जिसको कि हम लोग नाम दे रहे हैं मीजो स्ट्रेटोपॉज। सिमिलरली यहां पर भी एक ट्रांजिशन जोन बन रहा है, डिक्रीज हो रही है और उसके बाद से इंक्रीज होना शुरू हो जा रहा है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है मीजोपॉज। क्लियर हो गया क्या चीज है, सारा सिस्टम क्लियर हो गया क्या कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए खैर अब जरा इसके थ्योरी को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रोपोपॉज के बारे में आ जाएगी, तो ट्रोपोपॉज को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज है। इट इज द एटमॉस्फेरिक लेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ 8 किलोमीटर द पोल एंड इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। अगेन एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहां पर फिर से आ जाता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन है, देखिए ध्यान से समझते रहिएगा। क्लाइमेट का चैप्टर काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर, काफी प्रैक्टिकल चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने तो पूरा का पूरा अर्थ एक सिंगल स्फीयर के रूप में देखा था, लेकिन अब जरा डिस्कस करते हैं कि ये जो इक्वेटर है इस इक्वेटर पे, फिर उसके बाद से ट्रॉपिक्स पे और उसके बाद से हमारा पोलर इलाका, क्या हर जगह सेम ही होता है ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और आयनोस्फीयर? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वेटर पर बहुत ज्यादा ही वेपराइजेशन और बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होती है, तो इस वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के कारण यहां पर हमें क्लियर स्काई देखने को मिलती है। इस क्लियर स्काई के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है काफी दूरी तक जाता है, क्योंकि यहां पर सिस्टम अगेन वही काफी क्लियर रहता है, तो इस वजह से यहां पर जो हमें एटमॉस्फेयर मतलब कि जो ट्रोपोस्फीयर होती है वो 18 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है, काफी हाइट तक देखने को मिलती है। जबकि पोलर इलाके में अगेन हाई प्रेशर का रीजन बना होता है, हाई प्रेशर के कारण यहां पर जो प्रेशर होती है वो नीचे तक चली जाती है, इसलिए यहां पर 8 किलोमीटर का सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। इस डिस्कशन को एक और तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोगों ने एक और सिस्टम देखा हुआ था जब हम लोग अपने ओशन के चैप्टर को देखा था, तो वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि जो इक्वेटर होता है ये इक्वेटर बेसिकली लो प्रेशर पे बना होता है, और लो प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बहुत हाई टेम्परेचर के कारण से ये बना होता है। यहां पर बना हुआ है पोलर इलाका, काफी ध्यान से सुनिएगा, अगेन हम लोग बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हैं। यहां पर देखिए हाई प्रेशर बना हुआ है और हाई प्रेशर का रीजन क्या था कि यहां पर ठंड है, मतलब कि कोल्ड बना हुआ है, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लेते हैं कि हाइट अगर हम लोग लेते हैं, सपोज बराबर बराबर ले लेते हैं हाइट, ठीक है, दोनों की हाइट हम लोग ले लेते हैं बराबर बराबर, तो यहां पर अगर ये हाइट h है तो ये भी हाइट आपको h ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहां पर अगर p नॉट है तो यहां पर भी p नॉट मिलेगा, सेम सरफेस है, सेम टेम्परेचर मिलेगा। तो यहां पर अगर इसका p निकालते हैं इक्वेटर, p बराबर कितना हो जाएगा, p नॉट प्लस h d g, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाई इसका पोलर का क्या होगा, p इज इक्वल्स टू p नॉट प्लस h d g, क्योंकि h d g तो कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन में थोड़ा मोड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है कि वो प्रेशर को ही इतना ज्यादा डिफरेंस कर दे कि ये लो प्रेशर पे बन जाए और ये हाई प्रेशर पे बन जाए। अभी बताइए यहां पर जो पी है और यहां पर जो पी है ये तो दोनों के दोनों सेम हो गया, तो फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर किस बात का भाई। तो अब यहां पर ऑप्शन ये आता है कि इसे लो करना है, तो लो करने के लिए क्या ऑप्शन है, या तो पी नॉट को आप घटा दीजिए जो कि पॉसिबल नहीं है, पी नॉट विल बी सेम, पी नॉट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम एच को घटा देंगे तो सीधी सी बात है कि इसका जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में बदल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग घटा देते हैं इस तरीके से,
और यहां पर जो पोल्स है वो 8 किलोमीटर में केवल और केवल बदल जाता है और यहां पर हाई प्रेशर देखने को मिल जाती है और यहां पर लो प्रेशर देखने को मिल जाती है क्योंकि यहां पर हाइट ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि यहां पर 18 किलोमीटर की दूरी है और यहां पर 8 किलोमीटर की दूरी इस तरीके से देखने को मिल जाती है। दोनों ही ऑप्शन है, ये फिजिक्स के बेसिस पे आपने देखा। और इससे पहले जो हम लोगों ने वाष्पीकरण मतलब कि वेपराइजेशन और जो कंडेंसेशन के माध्यम से हम लोगों ने देखा था वो बेसिकली ज्योग्राफिकल आंसर हो जाता है। दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों ही एक तरीके से सही हो जाते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए खैर, तो ये हो जाती है हमारी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे अगर देखेंगे तो थिकनेस ऑफ, ये जरा याद रखिएगा, 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। द थिकनेस ऑफ थिकनेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर बिकॉज द हीटेड एयर राइजेस टू ग्रेटर हाइट। जैसा कि हम लोगों ने वही बात की है इवेपोरेशन को लेकर के, कि ज्यादा हीट होगा, लो प्रेशर बनेगी और इस तरीके से इवेपोरेशन काफी ऊपर तक जाती है। ट्रोपोस्फियर एंड होता है ट्रोपोपॉज पे, पता है हमें, टेम्परेचर इन दिस लेयर गोज अपवर्ड और ये टेम्परेचर गिर करके बहुत कम हो जाती है, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा करके, मतलब -45 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जा सकती है। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर काफी कम देखने को मिल जाता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, केवल आप नेचर जानते रहिए क्या चीज है। द फॉल इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट। ये जो लैप्स रेट है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझे रहिएगा क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में और हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को लेकर के। इन दोनों के माध्यम से हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, तो इसलिए जरा ध्यान से समझिएगा लैप्स रेट का मतलब क्या है। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन्वायरमेंट इस तरीके से टेम्परेचर घटाते जा रहा है। ट्रोपोस्फियर इज बेसिकली व्हाट, जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन, टर्बुलेंस, एडी करेंट या फिर वेदर रिलेटेड सारी फिनोमिना हमें देखने को मिल जाती है। इट इज ऑल्सो मेटियोलॉजिकली द मोस्ट सिग्निफिकेंट जोन इन इंटायर एटमोस्फियर, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना यहां पर देखने को मिल जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेक्टिव रीजन, क्योंकि यहां पर कन्वेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द थिएटर फॉर वेदर बिकॉज ऑल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, स्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन सब कुछ यहीं पर हमें देखने को मिल जाता है। इसलिए हर तरीके की वेदर का ये थिएटर हो जाता है, हर ड्रामा यहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा सीजन, जेट स्ट्रीम, जो कि बहुत ही टफ टॉपिक है, वो भी हम लोग देखेंगे क्या चीज है, वो भी यहीं पर देखने को मिल जाती है। आगे अगर बात करें स्ट्रेटोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आता है, बियॉन्ड द ट्रोपोस्फीयर 50 किलोमीटर पे आ जाती है। टेम्परेचर यहां पर लगभग कांस्टेंट मतलब कि बढ़ते हुए ही देखने को मिल जाता है और टेम्परेचर इस तरीके से इंक्रीज देखने को मिलता है। दिस राइज इन टेम्परेचर, दिस राइज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और इस तरीके से हमें टेम्परेचर मिल जाती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम द क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद द वेदर फिनोमिना, मतलब ये फ्री जोन होता है, काम जोन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह भी उड़ना शुरू हो जाते हैं। Sometimes it is also in upper tropospheric region. Sometimes cirrus clouds यहाँ पर present होते हैं lowest level में, लेकिन ये present रहते हैं, मतलब ये layer एक तरीके से cloud free भी कहा जा सकता है। इसके बाद होती है ozono layer. Ozono layer और stratosphere में कोई खास अंतर नहीं होता है, बस ozono layer इसलिए अलग कर दिया है कि यहाँ पर हम लोग अब ozone के बारे में discuss कर लेंगे। तो lies at the altitude of 30 to 60 किलोमीटर और यहाँ पर ozone पाई जाती है। ozone जो होती है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको रोकती है। क्वेश्चन उठता है रोकती कैसे है, क्या आपको छन्नी लगा के रखी हुई है? नहीं, देखिए यहां पर बेसिकली जो ओजोन होती है वो ओजोन फॉर्मेशन हो रही होती है, जिसके कारण से ये अल्ट्रावायलेट रेज का रोकती नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज का ये यूज कर लेती है। अब ये यूज कैसे करती है, चलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री भी देख लेते हैं, बहुत फिजिक्स देख लिया है। केमिस्ट्री में देखिए होता क्या है कि जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही क्यों, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही हो जाए, क्लोरीन मॉलिक्यूल ही हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल है, और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज प्राप्त कर लेता है तो वो एक रेडिकल में बदल जाता है। इसको बोलाता है फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से जब भी अल्ट्रावायलेट यूज हो जाती है और इस तरीके से फ्री रेडिकल बना देता है। इस स्ट्रेटोस्फीयर मतलब कि ओजोन स्फीयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और बाकी सब प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से हमारा जो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है ये फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इस ओजोन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के बाद ये ऑक्सीजन इसको मिल जाती है और ऑक्सीजन के थ्रू ये ओजोन गैस बना देता है, O3 बना देता है, और इस तरीके से ये ओजोन गैस फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर बेसिकली ये जो अल्ट्रावायलेट है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं किया, इसके ऑब्जॉर्ब करके ये बेसिकली टूट गया है फ्री रेडिकल में, अल्टीमेटली ओजोन फॉर्मेशन कर दिया है। अगर ये फ्री रेडिकल मतलब कि ओजोन फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होगा तो यानी अल्ट्रावायलेट यूज नहीं हुई, और यूज नहीं होगी तो क्या होगा, पेनिट्रेट करके ये अर्थ के सर्फेस पे पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया?
तो ये तो बहुत ही हम लोग कह लीजिए कि इनोसेंट लैंग्वेज में बोलते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो रेज जो होती है वो ओजोन लेयर के द्वारा रोक दी जाती है, एक्चुअल में रोकी नहीं जाती है, ये इसको इस तरीके से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से यहां पर ये खत्म हो जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्लियर हो गया। द ओजोन स्फीयर हैज ऑल्सो कॉल्ड केमिकोस्फीयर बिकॉज यहां पर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटी हो रही होती है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। द टेम्परेचर राइज एट अ रेट ऑफ 5 डिग्री पर किलोमीटर, यहां पर टेम्परेचर राइज देखने को मिल जाती है। इसके बाद आती है हमारी मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर के बारे में अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली द इंटरमीडिएट लेयर, ओजोन लेयर और उसके ऊपर में जो आयनोस्फीयर होता है उन दोनों के बीच में होता है, 80 किलोमीटर तक फैला होता है। टेम्परेचर जो होती है वो डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है, उसके पीछे हम लोगों ने रीजन देख ही लिए। मीटियोर शावर इसी वाले लेयर में देखने को मिल जाती है। इसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फीयर जिसको कि हम लोगों ने आयनोस्फीयर भी नाम दिया हुआ है, तो आयनोस्फीयर भी इसको हम बोल सकते हैं। यहां पर बेसिकली आयंस पाए जाते हैं। इस आयंस में इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, और क्यों होती है वो आपको पता ही है कि आयंस हो जाते हैं और आयंस जो होते हैं जैसे जैसे इंसुलेशन आएगा वैसे वैसे एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बता दे रहे होते हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, मतलब जितने भी आपको सैटेलाइट ऐसे छोड़े होते हैं जो टेलीकॉम के लिए या फिर टेलीविजन के लिए, मतलब जो भी एक तरीके से रिमोट सेंसिंग करनी होती है वो हम लोग इसी लेयर में सैटेलाइट को छोड़ते हैं। द पर्सन वुड नॉट फील वार्म बिकॉज ऑफ द थर्मोस्फीयर एक्सट्रीम लो प्रेशर, यहां पर होती है जिसके कारण से यहां पर वार्मिंग नहीं देख पाते हैं। जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या फिर हमारी जो सैटेलाइट है वो इसी लेयर में है, प्रेशर काफी कम होता है, अगेन रेरिफाइड गैसेस हमें देखने को मिल जाती हैं। ऑरोरा भी जो होता है इसी लेयर में ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। लास्ट में आती है, मतलब हालांकि आयनोस्फीयर इज ऑल्सो सेम एज द थर्मोस्फीयर, बट आयनोस्फीयर अलग से भी दिखा दिया गया है कि इस लेयर में 80-400 किलोमीटर तक जो होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, आयोनाइज्ड मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, सब चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, तो देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस इट अगेन। एक्सोस्फीयर लास्टली आता है और इस तरीके से यहां पर प्योरली वैक्यूम आ जाती है और ये आगे जाकर के स्पेस में मिल जाती है, तो अपर मोस्ट लेयर हो जाती है जो आयनोस्फीयर के ऊपर होती है और काफी रेरिफाइड होती है, प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है, लाइट गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम कभी कभी मिल जाती है, एंड दिस इज अगेन कमिंग फ्रॉम द सन, तो टेम्परेचर ग्रेजुअली जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है और अल्टीमेटली सनलाइट के कारण से बाहर में जाकर के स्पेस में मिल जाती है। तो ये थी हमारी आज के पूरे डिस्कशन, काफी डिटेल में हम लोगों ने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए आप उसको वहां पर बता भी सकते हैं, आपने आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।